चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल एंड द स्पीड गेन्ड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द रेडियस आर इक्वल, देन द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन विल बी कितना होगा। सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है। सर्किल देखो, उसके लिए मैं कंपास यूज करता हूँ, ठीक है। मैं एक सर्किल बना लेता हूँ, छोटा सा सर्किल, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। और इस सर्किल में ये सेंटर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर रहा है, रेडियस हम कंसिडर कर लेते हैं आर, और ये क्या कह रहा है, पार्टिकल रिवोल्यूशन कर रहा है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल एंड स्पीड गेन्ड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द रेडियस। तो हाफ रेडियस का हाफ ये हिस्सा हुआ, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट जैसे चलना शुरू कर रहा है, यहाँ पहुँचा, ठीक है। यहाँ पहुँचने के बाद ये डिस्टेंस है r बाई टू, आर बाई टू, ठीक है। गिने के बाद वेलोसिटी में गेन आया, ठीक है। स्पीड गेन इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द रेडियस इक्वल टू द सर। तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर वेलोसिटी तो जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, यहाँ पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम वी कंसिडर कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो प्लस टू जी एच होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच होगा, या वी इज इक्वल टू अंडर रूट में टू जी एच होगा। अब एच इज इक्वल टू, यहाँ पर एच इज इक्वल टू आर बाई टू है, आर बाई टू डिस्टेंस मूव किया, तो एच इज इक्वल टू आर बाई टू अगर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, 2g इंटू आर बाई टू अंडर रूट में, 2 से 2 कटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट में g इंटू आर, ठीक है। तो इसको आप दोनों साइड का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू आर, या v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू g, यही आपका सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है, v स्क्वायर बाई r, ये मैंने लिखा हुआ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू g के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट हुआ, d वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।